हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरिता राठी क्लासेस। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 8 का नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया जाता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें हम इस सेशन में जानेंगे। हम जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न्ड, कि किसी भी कंट्री को जिन रूल्स और रेगुलेशन से गवर्न किया जाना है वो गाइडलाइंस आपकी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के बिना कोई भी कंट्री ठीक ढंग से ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। वहां के सिटीजन्स के जो वेलबींग है या उनके वेलफेयर के या उनके बीच में जो अकोमोडेशन है, जो ठहराव है, जो उनके बीच में एक बैलेंस बनाना होता है, वो बैलेंस भी पॉसिबल नहीं है। किस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच को क्या काम करना है, कितना काम करना है, कौन सा काम करना है, ये सारी चीजें डिफाइन की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बेस्ट तरीके से डिफाइन किया है जेलेनिक ने, अ स्टेट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ स्टेट बट रिजिम ऑफ अनार्की, कि एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के बिना एक स्टेट तो बन जाता है, लेकिन जिस तरीके से लोगों के एक मिली जुली जो सरकार है या मिली जुली तरीके से वो अपनी कंट्री को खुद गवर्न करते हैं, इस तरीके की चीजें के वहां पर डिफाइन नहीं है। इंपोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए इंपोर्टेंट क्यों है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें जरूरत क्यों है, रिक्वायरमेंट क्यों है। फर्स्ट, इट डिफाइंस द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट कौन सी है, डेमोक्रेटिक है, नॉन डेमोक्रेटिक है, किस तरीके से हमारे लिए काम करेगी, उस नेचर को कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। उसमें सारे जो चीजें होती हैं उनको बिल्कुल वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ होता है, और जिससे कि सिटीजन्स जान सकते हैं कि उनके लिए क्या क्या चीजें गवर्नमेंट अवेलेबल करवाती है, क्या क्या उनकी ड्यूटीज है। सेकेंड आ जाता है नॉलेज अबाउट द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाता है गवर्नमेंट के बारे में नॉलेज। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे, यहाँ पर डिफाइन किया गया, ठीक है, यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया हॉरिजॉन्टल तरीके से और वर्टिकल तरीके से, ठीक है। एक तरफ हम गवर्नमेंट पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लेजिस्लेचर में, ठीक है, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। वहीं दूसरी तरफ यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवाता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड द लिबर्टीज, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देता है राइट्स और लिबर्टी को। एक वॉच डॉग की तरह यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट करता है कि किसी को कितने राइट दिए गए हैं, वो राइट उसको क्लियरली अवेलेबल है या नहीं है, उसकी लिबर्टीज को हार्म तो नहीं किया जा रहा है, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही आती है। नेक्स्ट आ जाता है चेक ऑफ द मिसयूज ऑफ द पावर्स। गवर्नमेंट को क्या क्या पावर्स दी गई है, अभी हमने डिस्कस किया था कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर कौन कौन सा एरिया आएगा, कौन कौन सा क्राइटेरिया, कौन कौन से फंक्शंस आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या यहाँ पर ड्यूटीज होंगी, कौन कौन से राइट्स होंगे, लोकल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी अथॉरिटीज होंगी, ये सारी चीजें डिफाइन है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। और एक जो ऑर्गन है दूसरे ऑर्गन को यहाँ पर हार्म नहीं कर सकती, ना ही मिस यूज कर सकती अपनी पावर्स का। जैसे एमपी एमएलए की बात करेंगे तो उनका जो ज्यूरिडिक्शन है, उनका जो फंक्शन का एरिया है, वो क्लियरली डिफाइन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और अगर उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं तो वो चेंजेस भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंप्लीमेंट किए जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग क्या वो बाउंड है, और उस जो उनका एरिया, जो क्राइटेरिया, उससे बाहर वो एक्ट नहीं कर सकते, मिस यूज नहीं कर सकते अपनी पावर्स का। एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन नए नए जो कानून है उनको लागू करता है। टाइम के अकॉर्डिंग चीजों की जो जरूरत है वो बदलती जाती है, नई नई चीजों की रिक्वायरमेंट होती रहती है, नई नई डिमांड्स आती रहती हैं, और उन्हीं डिमांड्स के लिए नए नए जो कानून है वो बनते रहते हैं। किसमें बनते हैं, लेजिस्लेचर में बनते हैं, और वहां पर क्या है, सबकी मेजोरिटी से क्या कानून बनाए जाते हैं, या पुराने जो कानून है उनमें चेंजेस किए जाते हैं, पुराने जो लॉज है उनमें अमेंडमेंट की जाती है, बदलाव किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी किसके कारण पॉसिबल है, कॉन्स्टिट्यूशन के कारण पॉसिबल है। अब हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 में बना, इसको इंप्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950, और यहीं से इसी दिन से इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री बनकर सामने आई। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश जो हमारे ऊपर रूलिंग कर रहे थे उनका जो एम्पायर था उसका एंड हो गया,
और इस दिन से हमें इंडिपेंडेंस मिली। 26 जनवरी 1930 को एक काफी लंबे स्ट्रगल के बाद इंडियंस ने एज अ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया और तभी इसे 26 जनवरी रिपब्लिक डे के तौर पर क्या है हम मनाते आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया और जिन्होंने बनाया उस ग्रुप ऑफ पीपल की ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन के अंडर बनाई गई थी। 1946 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और ये इलेक्टेड पीपल थे जो डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं थे, इनडायरेक्ट इलेक्टेड थे और इन्होंने हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कंपोजिशन किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। टोटल 389 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो पार्टीशन के बाद 308 रह गए। कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर बनाई गई थी, जो एक सबोर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिपेंडेंस डिक्लेयर होने के बाद ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये सबोर्डिनेट हो गई। इसके जितने भी मेंबर्स थे वो इंडिपेंडेंटली अपनी कंट्री के लिए जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाना चाहते थे वो फ्री थे वो रूल एंड रेगुलेशन बनाने के लिए। अब वो ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं थे, ना ही उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए बाउंड थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर दो बड़े टास्क थे, ठीक है। ये जो टू टास्क यहां पर उनके अंडर थे इसमें क्या था, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना था, ठीक है, इतनी बड़ी कंट्री के लिए। सेकेंडली यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, ठीक है, वो एक हाईएस्ट लॉ बॉडी था और इसमें उन सारे नियमों और कानूनों को, उन सारी बातों को ध्यान रखना था कि किसी को भी, किसी भी सिटीजन या ग्रुप ऑफ पीपल की, ग्रुप ऑफ पीपल जो थे उनको नेग्लेक्ट ना किया जाए, सभी को इक्वालिटी के साथ क्या आगे लेके चलना था। 13 दिसंबर 1947 में नेहरू जी ने नेहरूज रेजोल्यूशन जो है पास किया। इसमें उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स जो हैं वो सजेस्ट किए, कुछ प्रिंसिपल सजेस्ट किए, जिसको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इंडिया के लिए, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए न्यू लॉज, न्यू गाइडलाइंस और न्यू प्रिंसिपल्स जो हैं रेडी कर सकते थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे बेस्ट पॉलिटिकल लीडर्स थे इंडिया के जिनको इलेक्ट किया गया, जिनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद। 13 मेंबर्स ऐसे थे जो कि माइनॉरिटी से इलेक्ट करके आए हुए थे ताकि वो भी अपनी जो कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट कर सके, उनके नीड्स के बारे में, उनके डिजायर्स के बारे में बता सके और कॉन्स्टिट्यूशन को उनके नीड्स के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट किया जा सके। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इंट्रोड्यूस की गई, इसके मेंबर्स को सेलेक्ट किया गया और बी आर अम्बेडकर को चेयरपर्सन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरपर्सन जो है इलेक्ट किया गया, ताकि जो सजेशंस आएंगे उन सजेशंस में से बेस्ट जो सजेशन है वो चूज करके कॉन्स्टिट्यूशन में डाले जा सके और एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए बनाया जा सके। टोटल कॉन्स्टिट्यूशन के कंपोजिशन में जो टाइम लगा था वो था 2 इयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज। इतना लंबा टाइम डिस्कस करके बेस्ट जो चीजें थी वो निकाली गई, बेस्ट जो रूल्स थे, जो लॉज थे वो निकाले गए और वही क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए, तभी आज के टाइम में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बेस्ट सजेशन प्रोवाइड करवाता है। टिल 14 अगस्त 1947 पावर जो ब्रिटिशर्स के हैंड्स में थी उसको ट्रांसफर किया गया इंडियन हैंड्स में और लॉर्ड माउंटबेटन फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, बाद में इंडिया के इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने 1952 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 4 मेन प्रीएम्बल्स को रखा गया जो कि इसका बेस थे, 4 पिलर्स कहलाए, जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को रखा गया जो क्या सभी को एक साथ जोड़ के रखने के लिए किया गया। इसके अलावा भी कुछ बेसिक फीचर्स थे जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, इसके गुड पॉइंट्स हम कह सकते हैं।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट लेंथीएस्ट और आपका रिटन डॉक्यूमेंट था, जिसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, जो हमारी आज की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट और सेवर्जिन कॉन्स्टिट्यूशन था, जो किसी के भी अंडर नहीं था। यही यहाँ इंडिया में सभी जो रिलीजन्स थे उनको इक्वालिटी दी गई, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया गया। सोशल जो बेस था, जो गाइडलाइंस थी, उनको भी ध्यान में रखा गया और डेमोक्रेटिक रखा गया। यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, जो गवर्न करने वाली थी इस कंट्री को, वो इलेक्टेड थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेस्ट एक जो फीचर था वो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। 18 ईयर एंड अबव एज को राइट टू वोट दिया गया। इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का वहां पर उनको प्रिविलेज दिया गया और खुद की सरकार को चूज करने का उनको अधिकार दिया गया। बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड भी कहा गया और फ्लेक्सिबल भी कहा गया। आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको रिजिड बनाता है कि हम इसको अपनी किसी भी पर्सनल विल से चेंज नहीं कर सकते, लेकिन विद द 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द बोथ हाउसेस वी कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, वी कैन अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल सिस्टम, इसमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इन बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट थी आपकी, जिसको यूनियन गवर्नमेंट कहा गया, स्टेट गवर्नमेंट कहा गया, लोकल गवर्नमेंट कहा गया। वहीं दूसरी तरफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर को चेंज किया गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स जो कि 6 है, ठीक है, इंडियन सिटीजन्स को 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाए गए, जिन राइट्स को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। इसी के साथ साथ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज भी इंडियंस के लिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई, जिनके साथ क्या हम सभी जुड़े हुए हैं और ये ड्यूटीज हमें क्या है निभानी ही पड़ेंगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गाइडलाइंस जो ऐसी हैं जो क्लियर रखी गई है कि स्टेट को क्या क्या करना है, स्टेट की क्या 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 ड्यूटीज हैं और यूनियन गवर्नमेंट की क्या क्या ड्यूटीज हैं। स्टेट लिस्ट और जो यूनियन लिस्ट है उसके मैटर्स को, उनके जो फंक्शंस हैं उनको भी अलग रखा गया, जिसमें आने वाले टाइम में किसी भी तरह के क्लैशेस ना हो, टकराव ना हो। फंडामेंटल जो राइट्स हैं प्रोवाइड करवाए गए हैं इंडियंस को, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड राइट टू एजुकेशन और कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चरल एंड राइट टू एजुकेशन राइट। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, सेकुलर स्टेट ये टर्म डिफाइन करती है कि इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। स्टेट किसी भी स्पेशल रिलीजन को प्रिविलेज नहीं देगी, किसी भी रिलीजन को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगी, लेकिन जो स्टेट है, गवर्नमेंट जो है, वो किसी भी रिलीजन के फॉलो करने के लिए किसी भी सिटीजन को बाउंड नहीं करेगी। सारे सिटीजन जो है फ्री हैं किसी भी जो रिलीजन है उसको फॉलो करने के लिए, किसी भी तरीके की कल्चर को लीड करने के लिए। लेकिन अगर एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को हार्म करने की कोशिश करता है, उस सिटी है उसको हार्म करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेन करती है, बीच में वो एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है ताकि कंट्री में पीस बना रह सके। उम्मीद करती हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू। सेशन को लाइक करना ना भूलें, इसे अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें।